बापू मुंडा तेरा तो तुरन फिरन लग गया तेरे जोधिया हूं दोबारा दोबारा लाउनी उवे सैंबरा ढोलकी बजाया करनी उवे कीर्तन करना अंदर हूं दो तीन दिन ठीक हो जाओ दो बार मैं अंदर तो एक बार कीर्तन तबला बजवा के देखना अंदर साढ़े कीर्तनियों के नाल जाना बापू कितने नहीं इतने रहना हजे तू बापू फिर ये को कौन रहेगा यदि वाइफ छ गई सच हाँ उधर तुम दसी से ये बच्चे आप नहीं तैयार हो सकती नौवीं वाली दोती का दोती रही दो कुड़िया एक मुंडा है घरे थोड़े को हां भाई फिर किवें करना नहीं जे तो देखो उत्थे ही चलिया गया दोबारा फिर उही कुछ हो जाना वा असीं चाहुंदे आ थोड़ा सैट हो जाए शरीर तौर दे तो क्योंकि जिहड़ी तेरी हजे हालत आ ते इह जे उवें बण कम हो गया खराब फिर नहीं दो टाउणा कम ते असीं चाहुंदे आ वी तूं साडे कोले हाँ क्योंकि साल छे महीने इहनूं बहुत लोड़ आ प्रकोशन की भी मैड क्योंकि इहदी जिहड़ी समस्या माड़ी जी इनफेक्शन इहनूं दोबारा फिर उत्थे खड़ा कर देना ते हुण जे दोबारा उवें हो गया फिर ठीक नहीं होना कदे भी मेरी डॉक्टर भी गल हुई थी उस दिन जिस दिन तू दाखिल सीगा तेरे टेस्ट होया पहले वो कहिंदा भी चांस आ आपां लैके देखदे आ जे वाहिगुरू ने कृपा करती तो बाजू तो चांस मैं पुछे किन्ने परसेंट आ जानी वो कहिंदे 50-50 आ भी इधर भी हो सकता इधर भी पर उस वाहिगुरू ने मेहर करती जिहड़ा तू आपके पैरों पर खड़ा इत्थे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी ये वीरा कीर्तनिया सिंह ये वीरा ग्रंथी सिंह का बेटा पिछले किन्ने सालों तो घर के मंजे पर पिया अज सिर्फ मैं लगता सत्त अठ दिन पैर पर खड़ा हो गया छे दिन ठीक है जी की नाम भीर तेरा अमृत सिंह अमृत सिंह किन्ना साल हो गए थे मंजे पर पे नूं छे साल हो गए थे छे दिन खड़ा हो गया उठ के तुहाडियां दुआवां ते अरदासां दा असर यह आ उस अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा ये बेटा है दा रिया पुत की नाम पुत तेरा है मनप्रीत कौर मनप्रीत सिंह जी है ओए नहीं सिंह मनप्रीत सिंह ये मनप्रीत सिंह ते मनप्रीत सिंह दी एक भैन आ ओदा की नाम बेटी की नवनीत कौर वो नौवीं च पढ़दी है ये किहड़ी च पढ़दा छेवीं च ये चौथी च ओ छेवीं च आ बापू ग्रंथी सिंह आ बापू दी यानी कि छे साल तो वो बह जिहड़ा पुत इक बाह होंदियां बाप दियां वो एस बिल्कुल खत्म हो गई सी सुक गई सी वो बह कम करनों हट गई सी पर अज उस वाहिगुरु की मेहर दे नाल दोबारा फिर तो उठ के खड़ा हो गया अमृत अमृतधारी गुरु का सिंह सी ये कीर्तनिया सिंह सी तबला बजाउंदा सी ढंडरिया वाले बाबे ना तबला बजाउंदा रहा उत्थे परमेश्वर दरबार दे विच भी सेवा कीती है होर बड़े चंगे कीर्तनिए सिंघां दे नाल ये बाई तबला बजाउंदा सी पर जो वक्त की मार पई तो अमृत कल्ला ही रह गया बेचारा क्योंकि ढाडी प्रचारक कीर्तनिए सिंघां नूं ना तो कोई श्रोमणी कमेटी वालों सपोर्ट मिलती है तो ना ही कोई इन्हां नूं सरकार वालों कोई इदा का गुरु की सेवा करने वाले गुरु के प्रचारक गुरु का दस्या हुआ राह सानू दिखाने वाले जो खुद मंजे पर पै जाते हैं तो उन्होंने कोई सार लैन वाला नहीं होंगे छे साल जिंदगी दे अमृत ने मंजे पर कढ़े तो अज
जन की अरदास विरथी ना जाए तुहाडियां अरदासां ने अमृत नूं छेयां दिनां च पैरां ते खड़ा करता। छे सालां दा पिया छेयां दिनां च अज तुहाडे सामने खड़ा अमृत, ते उहदा बेटा ते उहदा बाप अपने आप दे विच किन्नी खुशी महसूस कर रहे ने ये आप अंदाजा नहीं ला सकते। बस अगों भी अरदास करियो अमृत अपने बेटे नूं ते अपनी बेटी नूं एक चंगा भविख दे सके। अपने जिहड़ा गुरु ने इहनूं जिम्मेवारी दित्ती है बच्चों की उन्होंने निभा सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।